बहुत सुंदर सा गीत है, लोगों ने गाया है। पहले उसकी धुन सुनिए और आइए गौर करते हैं। बहुत सुंदर सा गीत है, आप लोगों तक मैं भेजने के लिए जा रहा हूं। ये हमारी आवाज राधे कैसट के सौजन्य से, ये भीनी भीनी आवाज हमारी आप लोग सुनने को पा रहे हैं। आइए, और मेरा भी यूट्यूब चैनल चलता है संदीप प्रकाश बौद्ध यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नए नए गीत सुनने और देखने के लिए। आइए, गीत के बोल क्या हैं? सबसे पहले तर्ज फिर मर्ज, लोगों ने गाया है, मैंने सुना। अरे मोहन ने बजाई दई बीन रात के तीन बजे, भैया रमेश कान्हा ने बजाई दई बीन रात के तीन बजे, हमने सुना, हमने कहिया भैया रात के तीन तीन बजे बीन बजावे का हो सकता है। आओ, जो हकीकत है, जो हकीकत में जो चीज है हम लोग उसको गाते हैं, बाबा साहब का संघर्ष गाते हैं। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है, एक भगवान यहाँ रहे रात में तीन बजे बीन बजावत रहे। आओ, बाबा साहब ने क्या किया है, आओ गौर करते हैं मेरे भाइयों। भीम करे पढ़ाई हर तीन रात के तीन बजे, भैया भीम करे पढ़ाई हर दिन रात के तीन बजे, आओ भैया। बाबा साहब जब अपना समाज देखते थे कि हमारा समाज सो रहा है, आज हमारे समाज के लोग दर बदर की ठोकरे खा रहे हैं, तो बाबा साहब 24 घंटे में 18-18 घंटे बाबा साहब पढ़ाई किया करते थे। मेरे भाइयों गौर करना, बाबा साहब कहते थे, क्या मन में सोचा करते थे, अरे देखी समाज दिया घबर आवे, अरे देखी समाज दिया घबर आवे, अरे रात बिना यही चैन न पावे, भीम भूखे रहे हर दिन रात के तीन बजे, भीम करे पढ़ाई हर दिन रात के तीन बजे, बोधी सत बाबा साहब आज मौज उड़ा ले, आज मौज उड़ा ले, लेकिन बाबा साहब ने तीन तीन बजे चार चार बजे रात तक पढ़ाई किया है। आज हमारे समाज के रे बीन सुनते खाली, बाबा साहब संघर्ष नहीं सुनते। अरे संघर्ष सुनो तब तुम्हारे बच्चों का आने वाला भविष्य जो होगा मेरे भाइयों, आने वाला जो भविष्य होगा, जब तुम्हारे बच्चे बाबा साहब के बारे में जानेंगे, उनका संघर्ष सुनेंगे,
तब उनका आने वाला भविष्य और तुम्हारा सुख सब कुछ मिलेगा। और यही बीन सुने तुम्हारा कल्याण ना हो, हमेशा हमारे समाज के लोग बीन सुन दिया है। सुना अरे 24 घंटे में 18 घंटे, 24 घंटे में 18 घंटे। जब तुम्हारे बच्चे ये जानेंगे कि बाबा साहब 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई किया करते थे, तो तुम्हारे बच्चे भी मेहनत करेंगे, बाबा साहब के जैसा बनना चाहेंगे। अरे 24 घंटे में 18 घंटे, 24 घंटे में 18 घंटे। अरे बाबा पढ़े हर दिन रात के 3 बजे, बाबा ने भैया भीम करे पढ़ाई हर दिन रात के 3 बजे। और ऐसा ही नहीं, अरे चारी चारी बच्चन की जान कमाई। हमारे समाज के लोग सोचते हैं कि ये पानी पीने का अधिकार हमारे चेहरे पे सदरी आई गई, हम बाबूजी बन गए, हम डीएम बन गए, तो ये समझ रहे हैं ये सब देवी देवताओं की देन है। लेकिन याद रखना, भूलना मत, ये संदीप प्रकाश बहुत चेतावनी दे रहा है, मैं दावा कर रहा हूं, जिस दिन संविधान मिट गया आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और संविधान को मिटाने की बात की जा रही है, आज हमारे समाज को कहा जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब क्या इससे ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनेगा? अब इससे ज्यादा अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मनुविधान जिस समय सन 1950 से पहले लागू था, वही इस यहाँ पे लागू होने वाला है, तब इन लोगों को चैन पड़ेगा। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। तुमको लड़ना होगा, और लड़ाई तुमको हथियार से नहीं करनी है, लड़ाई तुमको कैसे करनी है मैं बताता हूँ। जिस तरीके से बाबा साहब ने 24 घंटे में 18-18 घंटे पढ़ाई की है, उसी तरीके से तुमको पढ़ना होगा, तब यहाँ पे मनोविधान नहीं लागू होगा, तब हमारे बच्चे इस संविधान की रक्षा कर पाएंगे मेरे भाइयों। और तुमको हथियार उठियार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीम करे पढ़ाई हर दिन रात के 3 बजे, और अरे चारी चारी बच्चन की जान गमाई। अरे माता रामू ने कष्ट उठाई, भीम करी गे है आजाद रात के 3 बजे, भीम करे पढ़ाई हर दिन रात के 3 बजे। बोली बाबा साहब की, बोली भगवान न बुद्ध की। आहा।